सोनीर एक बेहतरीन उभरता हुआ कलाकार नमस्कार मेरा नाम सोनीर वडेरा है बाय प्रोफेशन मैं एक टीवी एक्टर हूँ आप लोगों ने मुझे देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एस सेटिंग भाई हर गेम पर करता हूँ बैटिंग हर काम की करता हूँ सेटिंग पीता हूँ चाय और कॉफी मिक्स करके, करके कटिंग नाम है वन एंड ओनली सेटिंग भाई सेटिंग भाई जी हाँ तो मैं ही हूँ वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला सेटिंग भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार इसके अलावा आप लोगों ने मुझे क्राइम पेट्रोल में सावधान इंडिया में उड़ान सीरियल में रावी सीरियल में नामकरण में बहुत सारे शोज में देखा होगा जहाँ चेहरा ही आपकी पहचान होती है तब चेहरे को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है के इतने लगे कि कम की कम उम्र में छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक एक्टर हूं और एक्टर होने के नाते सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप स्क्रीन पे अच्छे दिखो और अच्छे आप तब दिखोगे जब आपके बाल सलामत रहेंगे ख़ासकर जैसी मेरी अभी एज है अगर इस एज में बाल जाने शुरू हो जाए तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बिल्कुल लो हो जाता है सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी मेरे बाल जाने शुरू हो गए थे मेरा ये ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंगल्स ये ये सब ये सब खाली हो गया था बाल झड़ने शुरू हो गए थे टूटने शुरू हो गए थे जाने लगे थे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा गिर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता गोविंद पांडे जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सुनील अरोड़ा के हाथों ए एल सी एस जयपुर में करवाया था उन्होंने सोनी को डॉक्टर सुनील अरोड़ा के पास जाने की सलाह दी तो फिर आ, मेरे एक बड़े भाई साहब हैं जो एक्टर हैं खुद भी एक्टर हैं जिनका नाम है गोविंद पांडे तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि जयपुर में एक एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी जिनका खुद का एक क्लिनिक है एएलसीएस। तो तुम वहां जाके कंसर्न करो एक बार तो मैं जयपुर गया डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी से मिला उनको मैंने उनको मैंने अपनी सारी तकलीफ बताई कि ऐसा ऐसा करके होता है आ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है जब मैं आपने आपको स्क्रीन पे देखता हूँ सर ने बोला आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा प्लास्टिक सर्जन सुनील के अनुभव एवं कार्यशैली का परिणाम है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में पेन कंट्रोल मैनेजमेंट यानी दर्द के एहसास को पूरी तरह से नियंत्रित रखा जाता है वाकई मुझे पता नहीं चला जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ आप यकीन नहीं करोगे आई थिंक आठ या नौ घंटे चला होगा लेकिन मुझे जब मैं उठा जब पूरा ट्रांसप्लांट हो गया तो जब मैं उठा तो मुझे मैंने सर से पूछा मैंने कहा सर कितना कितना देर दो ढाई घंटा तो बोले सर बोले कि अरे दो ढाई घंटे नहीं सोनी आठ नौ घंटे ट्रीटमेंट चला है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला और ऐसा भी नहीं था कि मैं बेहोश हो गया था या कुछ हो गया था मैं सर से बातें कर रहा था सर इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आपको कि आपसे बातें करते रहेंगे आपके बारे में पूछेंगे अ, मेरे बारे में और बहुत बहुत सारी चीज़ें जानी कि मैं कब मुंबई आया कैसे मेरी शुरुआत हुई ये वो सब तो वो बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला बीच में आप उठ के जा सकते हो आपको अगर चाय कॉफी पीनी है तो वो पी सकते हो भूख लग रही है तो आप खा सकते हो तो इतना मतलब कंफर्टेबल कर देते हैं सर कि आपको आपको ऐसा लगता है कि हो भी गया अरे वाह पता ही नहीं चला तो ये चीज थी आठ महीने बाद सोनी वडेरा का रिजल्ट सामने आया तो आठ महीने में मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं ये देखिए ये जो है प्रॉपर इन्होंने ये देखिए ये नेचुरल एकदम हेयरलाइन है यहाँ से जो मेरा ये खालीपन था वो सारा चला गया है ये ये देखिए तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जा रहे हैं और आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो प्लीज़ जयपुर जाइए ए में एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी आप उनसे मिलिए वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि आप आप जब बात कर रहे होंगे ना सर से तो ऐसा लगेगा यार मैं अभी करवा लूं बस कि अभी कर दो सर मुझे नहीं पता अभी कर दो <laughs> तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील अरोड़ा सर जीवन बदलने के लिए थैंक यू ई e में सभी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरियों के साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है